जस्ट डायल से डेटा चुराकर गेहूं खरीदी के नाम पर ठगी करने वाले शातिर गिरोह के 5 आरोपियों को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपी फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों के साथ ठगी किया करते थे। आरोपियों में एक पूर्व में उत्तर प्रदेश की जिला पंचायत में चुनाव उम्मीदवार रह चुका है। जस्ट डायल से डेटा लेकर गेहूं खरीदी के नाम पर 45,70,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी साई कृष्णा ने बताया कि आरोपियों के खाते से 6,88,000 रुपए फीस किए गए हैं। आरोपी पूर्व में उत्तर प्रदेश की जिला पंचायत में चुनाव उम्मीदवार रह चुका है। डीसीपी ने बताया कि आरोपी बारदाना और ट्रांसपोर्ट के नाम पर एडवांस पेमेंट लेकर धोखाधड़ी करते थे। ठगी गई राशि में से 19,88,000 रुपए के माल बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि जालसाज खरीदारों की जानकारी जस्ट डायल से प्राप्त करते हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हमारे पास एक कंप्लेंट आया था कि एक व्यक्ति है जिसने कंप्लेंट किया था कि उसके पास लगभग 45 लाख की धोखाधड़ी हुई है। और ये मोडस ऑपरेंडी काफ़ी क्लासिक आजकल का मोडस ऑपरेंडी है, जो हम लोगों ने रिसेंटली हबीबगंज में भी इस टाइप का देखा था, बट उसमें रकम काफ़ी कम थी। इसमें जो आरोपी गण है वो करते ही हैं कि ये लोग जो इस टाइप के बायर और सेलर्स को मिलाने वाले मार्केट प्लेसेस होते हैं, वेबसाइट्स जैसे जसडायल हो गया, इसके ऊपर बायर ये अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वो सामान खरीदना चाहता है और सेलर बताता है कि उसके पास सामान है, तो ये मध्यस्थता टाइप का वेबसाइट है। इसके ऊपर से आपको जानकारी मिल जाती है कौन बेचने वाला है, कौन खरीदने वाला है। इसी चीज़ का दुरुपयोग करते हैं ये लोग, और इसमें ये बताते हैं कि हमको माल बेचना है, और जो ख़रीदार होगा उसके पास से एडवांस पैसा ले लेते हैं या पूरा ही पैसा ले लेते हैं जैसा वो देने को तैयार है, और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो इसी मोडस ऑपरेंडी के तहत जो हमारा फरियादी है उसके पास से लगभग 45 लाख और 70,000 रुपीज़ की धोखाधड़ी की गई। व्यक्ति जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है वो भोपाल का निवासी नहीं है, वो कलकत्ता का है। उसने आकर भोपाल में, बस उसके साथ जो धोखाधड़ी वाली बात है वो भोपाल में हुई, और उसको जो कारित करने वाले लोग हैं, जो शातिर दिमाग वाले हैं, वो फारुखाबाद के हैं। तो भोपाल केवल एक माध्यम था जिसके थ्रू ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ, जबकि भोपाल में ना आरोपी भोपाल का है ना फरियादी भोपाल का है। साइबर के पास ये काफ़ी यूनिक केस आया और इन लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट लेके इस चीज़ को सॉल्व किया, और इसमें लगभग हम लोग 20 लाख के आसपास का मशरू का जब्त कर चुके हैं। जैसे ही पैसे इनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुए थे, इन्होंने पैसे निकाले, कुछ कैश अपने पास रखा, और यहाँ तक कि इन्होंने एक नेक्सॉन गाड़ी भी खरीद ली तत्काल ही। तो वो गाड़ी को भी एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हम लोगों ने जब्त किया है, और 5 आरोपियों को काफ़ी मेहनत करके यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, लखनऊ और फरुखाबाद, यहाँ से लेके आए हैं, और इनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। फारुखाबाद के, इनफैक्ट ये तीन जो हैं, जो मेन आरोपी हैं तीन, वो फारुखाबाद के हैं, वो पहले से एक दूसरे को पहचानते हैं। और कितनी वारदातें ऐसी की हैं? सॉरी, कितनी वारदातें की हैं ये अभी हम लोग पता कर रहे हैं। ये सर, ये जो हमने नेक्सा गाड़ी खरीदी है वो कैश खरीदी, नेक्सॉन गाड़ी जो खरीदी है कैश लेकर, इसी पैसों से खरीदी। और भी प्रॉपर्टी से इनका अगर आप रहन सहन देखोगे, जहाँ से ये लोग जाके रकी वगैरह करके रेस्ट करके लाए हैं, तो ये प्रॉपर मतलब अच्छे परिवार के लोग हैं। नहीं, आरोपी 5 ही हैं। इससे पहले भी और कहीं इसी तरह पकड़ा है? नहीं, अभी कुछ समय पहले, इनका तो नहीं पता, ये अभी पकड़ा ही नहीं है। शायद इनका पहला ही, भोपाल पुलिस ही इनको सबसे पहली बार पकड़ के लाई है। बट इस टाइप की मोडस ऑपरेंडी आजकल हो रही है काफ़ी सारे, जो हमारे इनफैक्ट इस फोरम को यूज़ करके हम लोग सचेत करना चाहेंगे वो सारे जो भी बिजनेसमैन हैं जो इस टाइप की डीलिंग करते हैं, जहाँ पे वेंडर्स और बायर्स को वेबसाइट्स के ऊपर मिलाया जाता है। तो आप लोग जो हैं इसमें बिल्कुल, जब आप किसी भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति है जिसने आपको दिखाया है उसी से बात करके आप ये कीजिए। जो थर्ड पर्सन इंटरमीडियरी रहता है, जो आपसे फ़ोन पे चर्चा करके ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करता है, थोड़ा उसको संदेह की दृष्टि से देखें, पूरा वेरिफिकेशन किए बजाय अपने पैसे बिल्कुल ट्रांसफ़र ना करें।